शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ओम हिरण्याय नमः। ओम हिरण्याय नमः। सावधान देवर्षि, आपकी किसी भी सुझाव की कोई आवश्यकता नहीं है हिरण्यकशिपु को। अवश्य महाराज, सुझाव नहीं दूंगा मैं, मात्र इतना कहूंगा कि आपके पुत्र का कथन सर्वथा सत्य है। स्पष्ट कहिए देवर्षि, क्या अर्थ है आपका, क्या सत्य है उसका कथन में? यही महाराज, किसी हरि ने ही आकर एक ही समय पर आपकी पत्नी और आपके पुत्र को भोजन कराया। महाराज, आप अत्यंत सत्यनिष्ठ हैं, होले हैं, कि श्री हरि के छल को नहीं समझ सके। अवध्य, अपराज्य, सर्वशक्तिमान हैं आप, इसलिए पल से नहीं, छल और माया से आपके अपने परिवार में ही फूट डालकर आपको पराजित करने का प्रयास कर रहे हैं मायावी हरि। अवश्य, छल से ही उस छलिया हरि ने मेरे अपने पुत्र को मेरे ही विरुद्ध कर दिया। वो पुत्र जिसकी शिराओं में मेरा रक्त प्रवाहित है, पितृद्रोही बनकर मेरे ही समक्ष हरि भजन में लीन है। उसे यह भी ज्ञात नहीं है कि उसके कृत्य से मैं कितनी असीम वेदना से द्रवित होता हूं। नहीं पिताश्री, ऐसे कष्टदायक वचन मत कहिए। आपका पुत्र हूं मैं, मेरा उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाना कदापि नहीं हो सकता। तनिक विचार कीजिए महाराज, इस अबोध बाल बुद्धि में आपके प्रति विषाक्त विचारों ने प्रवेश कैसे किया? अवश्य छल है। अवश्य छल है उस छलिया हरि का। और छल से श्री हरि आपको पराजित कर रहे हैं दैत्यराज, आपकी उपस्थिति में ही। आपके अपने पुत्र द्वारा प्रभु श्री हरि की भक्ति के बालहट आपको प्रजा के उपहास का पात्र भी बना सकता है। परंतु पुत्र मोह से विवश उसको दंडित कैसे करेंगे आप? करूंगा, दंडित करूंगा उसे। अपने पुत्र पर छाए उस छलिय हरि के मोहपाश को खंडित करूंगा, भले ही उसके लिए मुझे कठोर से कठोर उपाय करने पड़े। सेनापति, इस बार यंत्रणा कक्ष में ले जाइए इसे। वहां हरि भक्तों की दुर्दशा से साक्षात्कार होगा इसका, तो इसकी हृदय में व्याप्त हरि भक्ति स्वतः ही मिट जाएगी। तो फिर भी यदि इसके हरि के पति सम्मोहन भंग ना हो तो इसे साधारण अपराधी के समान भेड़ियों में बांधकर दंडित करो। नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा पिताश्री। माता, देवर्षि नारद तो स्वयं महाहरि भक्त हैं। उन्होंने ही भक्त प्रहलाद को हरि भक्ति का पाठ सिखाया। परंतु माता, प्रभु विष्णु जी की भक्ति को त्याग कर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के अनुगामी क्यों बन गए? पुत्र, देवर्षि नारद जी
अपने नटखट स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं, परंतु हास परिहास से परिपूर्ण उनकी प्रत्येक युक्ति में जगत कल्याण का कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है, जिसका सुखद परिणाम भविष्य में दिखाई देता है। परंतु माता, देवर्षि ने तो हिरण्यकश्यप को उकसाया कि वो भक्त प्रहलाद को यातना देकर दंडित करे, इससे जगत का क्या लाभ था माता? पुत्र, कभी कभी वर्तमान में मिली पीड़ा भविष्य में आनंद बनकर फलित होती है। देवर्षि को ज्ञात था कि जीवन में हर प्राणी को उनके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होते हैं। दुष्ट दैत्य हिरण्यकश्यप पाप पथ पर अग्रसर तो था, परंतु पूर्व काल में उसके किए हुए कुछ पुण्य कर्म भी अभी शेष थे, जिनके कारण वो प्रभु द्वारा दंडित होने से बचा हुआ था। हनुमान समझ गया माता, देवर्षि नारद इसीलिए उनको इतना उकसा रहे थे। देवर्षि नारद ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप को और पाप करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उसके पापों का घड़ा भर जाए और शीघ्र ही प्रभु हरि के हाथों से उसका विनाश हो। माता, क्या वास्तव में ही दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को यंत्रणा कक्ष में डाल दिया? हाँ पुत्र, उस काल कोठरी में स्थित यंत्रणा गृह अत्यंत भयंकर था। वहाँ अहंकारी हिरण्यकश्यप हरि भक्तों को कड़ी यातना देता था, जिससे भयभीत होकर वो अपनी हरि भक्ति त्याग दे। प्रहलाद को भी वहीं ले जाया गया। प्रभु के सच्चे भक्त अपने प्रभु की भक्ति के लिए प्रत्येक यातना प्रत्येक कष्ट सहने का साहस रखते हैं। नहीं होता, यहाँ हमारे हाथ नहीं युवराज, स्वयं हरि भक्त कांपते हैं। हरि भक्ति छोड़ने पर ही यहाँ से मुक्ति मिलती है, और जो हरि भक्ति नहीं छोड़ते, स्वयं प्राण उनका साथ छोड़कर उड़ जाते हैं। अन्यथा हम उनकी जिह्वा काटकर हरि नाम लेना असंभव बना देते हैं। बोलो बोलो, ओम हिरण्याय नमः। बोलो हिरण्याय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। बोलो ओम हिरण्याय नमः नमः। देखा युवराज, युवराज यदि आपने हरि नाम लेना नहीं छोड़ा तो आपको भी यही परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिभा काट दे मेरी तो मैं प्रभु का नाम नहीं ले पाऊंगा, परंतु मेरे नेत्र सदैव हरि दर्शन के लिए ही तत्पर रहेंगे। युवराज, उसका उपाय भी है हमारे पास। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः।